एक शख्स की वालदा बहुत बीमार थी और अस्पताल के आईसीयू में दाखिल थी। डॉक्टर इनको जवाब दे चुके थे। डॉक्टर का कहना था इनका बचना नामुमकिन है, बाकी अल्लाह की मर्जी। वो शख्स रोज अस्पताल आता और रात को घर जाता था। इसकी वालदा के पास चंद दिन बाकी थे। वो मामूल के मुताबिक रात को घर जाते हुए पेट्रोल डलवाने की गर्ज से एक पंप पर रुका। वहाँ उससे जैफ उमर शख्स ने खाने का सवाल किया। उसने जैफ को कुछ पैसे दिए और कहा ये मेरी वालदा का सदका है। उस जैफ उमर शख्स ने दुआ की और वो शख्स अपने घर की तरफ रवाना हो गया। मामूल के मुताबिक जब सुबह वो अस्पताल पहुंचा तो वालदा को बिस्तर पर ना देखकर आपदीदा हो गया और नर्स से घबराई हुई आवाज में सवाल किया मेरी वालदा कहाँ है। नर्स ने जवाब दिया आज आपकी वालदा की तबीयत मौजाती तौर पर ठीक हो गई है, हमने उन्हें ताजा हवा खाने के लिए बाहर कॉरिडोर में भेजा है। वो दौड़ता हुआ अपनी वालदा के पास गया और पूछा ये सब कैसे हुआ। वालदा ने बताया मैंने ख्वाब में देखा एक शख्स मुझे हाथ उठाकर दुआ दे रहा है और जब सुबह आँख खुली तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और अब तुम्हारे सामने हूँ। अल्लाह की राह में दिया हुआ सदका अगर सच्चे दिल से दिया जाए तो देने से पहले ही कबूल हो जाता है। सदका 70 बलाओं को टाल देता है और दुआ तकदीर बदल देती है। जरूरी नहीं सदका लाखों या हजारों रुपए में हो, तुम्हारा अपने भाई से मुस्कुराकर पेश आना भी सदका है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।